एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने फ्लिपकार्ट से फेक नेल परचेज़ किए थे जो कि आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं तो अगर आप, आप आर्टिफिशियल नेल लवर हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर आप मेकअप या ऐसी चीज़ें परचेस करते हो तो आपको फेक ही मिलता है सो तो मेरे साथ भी ये दिस इज द सेकेंड टाइम तो, तो फाइनली अब मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी तो क्योंकि मैंने कुछ और परचेज़ किया था और मुझे मिला कुछ और प्राइस के वाइज क्वालिटी के वाइज तो या मैं आपको खोल के दिखाती हूँ उससे पहले जो भी मैंने परचेस किया होगा उसका मैं आपको स्क्रीन शॉट यहाँ पर दिखा दूंगी स्क्रीन पे तो और जो मुझे रिसीव हुआ है वो ये है सी जो दस रुपये के नेल्स नहीं मिल जाते हैं बारह नेल्स मिलते हैं दस रुपये के विद ग्लू वो वाले नेल इन्होंने टू हंड्रेड रुपीज़ में दिए हैं सी और जब बात आई रिटर्न करने की तो उनका कहना है कि कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है सेलर की और बाकी जितनी भी कंप्लेंट्स मैं कर सकती थी मैंने की हुई है बट उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है ये टू हंड्रेड रुपीज़ के नेल्स हैं सी आ, बहुत ही वाहियात क्वालिटी है लाइक घटिया से भी घटिया सी और इसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते हैं अगर मैं इसको इस तरीके से करूँगी तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे और हाँ अगर फिर भी क्योंकि रिटर्न तो हो नहीं रहे हैं मैंने कोशिश बहुत कर ली है अब इसको लगा कर मैं देखूँगी और हाँ यस इसके साथ मुझे नील ग्लू भी मिला है मुझे नहीं पता ये वर्क करता है कि नहीं करता है क्योंकि मैंने ट्राई ही नहीं किया अभी तक मैं अभी इसको इसी वीडियो में ट्राई करूँगी तो ये जो भी प्रोडक्ट है आप बिल्कुल भी मत खरीदिए एंड दिस इज मेड इन चाइना स्टिल फ्लिपकार्ट वाले मेड इन चाइना वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो ठीक है हेड सॉफ्ट डैम और या द क्वालिटी आई डोंट नो हंड्रेड है कि नहीं है मैंने बिल्कुल भी चेकआउट नहीं किया है क्योंकि जैसे ही मैंने ये नेल्स देखे और इनकी क्वालिटी देखी मेरा तो मूड ऑफ हो गया था फिर या तो अब भी मैं एक बारी एक नेल को लगा के दिखाती हूँ आपको फिक्स करके कि बिल्कुल भी नहीं होने वाले ये और इसके एजेस इतने ज़्यादा शार्प है सबसे पहले इनको मुझे फाइल करना पड़ेगा उसके बाद मैं इसको ट्राई करती हूँ जस्ट कि ये लगता है नहीं लगता है तो ये रहा मेरा नेल फाइलर और अभी मैं नीचे के आता है ठीक है तो फर्स्टली मुझे इसके एजेस को थोड़ा सा शेप देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही शार्प है और जैसे मैं फाइल कर रही हूँ तो ये टूट भी रहे हैं पिक्चर में बहुत अच्छे वाले नील से लाइक अच्छी क्वालिटी वाले नील से बट ठीक है तो मैं जरा इसमें पिन करके होल कर लेती हूँ होपफुली ये ग्लू तो काम आए दूसरे नील्स के साथ बट ले जस्ट फिक्स इट आई गेस ग्लू ठीक है बट नील्स की क्वालिटी इज वर्स्ट ये मुझे टू हंड्रेड में नील्स मिले हैं लाइक like टू हंड्रेड रुपीज़ इनके ऊपर इन्वेस्ट करना बट आई गेस नील ओके है नील ग्लू ठीक है मैं दो मिनट तक इसको ड्राई होने देती हूँ फिर मैं इसको हल्का सा तब तक इसको बंद कर दूँ ताकि चलो नेल ग्लू तो काम आ जाएगा दूसरे नेल्स के साथ बिकॉज आई हैव एज यू कैन सी मेरे पास बहुत छोटे नेल्स हैं मुझे नेल बाइट करने की बड़ी गंदी आदत है तो तो ये अच्छे से ड्राई हो चुका है मैं इसको निकाल के देखती हूँ बहुत अच्छे से फ़िक्स हुआ ये दैट मीन्स कि ग्लू तो बहुत अच्छा है बट अगर आपको नेल्स भी लाइक आप मेरे को यूज़ तो करनी ही पड़ेंगे ना तो इसी तरीके से मैं फ़िक्स करके नेल्स को अप्लाई करूँगी यूज़ तो करना ही पड़ेगा पैसे लगे हैं तो या तो नेल की ग्लू की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसमें और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है थ्री ग्राम बट नेल्स की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो होप यू गई इन्जॉय दिस वीडियो एंड या आगे आपको पता ही है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी वीडियोज देखने के लिए थैंक यू सो मच